इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने वाले हैं जो है तो हमारे हमसाए में, लेकिन हमें इसके बारे में मालूमात ना होने के बराबर है। कमजोर बदन, नखीफ जिस्म, बाइक चलाते, बच्चे उठाते, सौदा सलफ लेते, अपनी जुबान में शू शू करते, मरियल मरियल से सांवले मर्द खातीन, पहली नजर में गजाई किल्लत के शिकार नजर आते हैं। जाहिर में जितने कमजोर, अंदर से उतने मजबूत, नरम मजाज और खुश इखलाक, मेहनत इनका ईमान है, मुस्कुराहट इनकी घुट्टी में शामिल है। इसी शराफत का उठाया तमिल टाइगर ने गलत फायदा, बड़ा पहुंचाया इस कंट्री को नुकसान। ये ऐसा कंट्री है जहां आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया था, यहां बुद्धा का दांत भी मौजूद है, यहां चावल से पहले सालन का नाम लेना ममनू है। ये ऐसा कंट्री है जिसका एक नहीं बल्कि दो कैपिटल है। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वश आत के शोखस जो भली कराया बुखैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। श्रीलंका, इसका ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका को हम कुछ ही हवालों से जानते हैं कि ये एक आइसलैंड है, जहां भी जाओगे समंदर आपके साथ सफर करेगा। श्रीलंका ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप राणा टुंगा की क्यादत में पाकिस्तान में जीता था। शाहिद अफरीदी ने तेज तरीन सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ बनाई थी, लेकिन इससे आगे कुछ मालूम नहीं। दोस्तों, श्रीलंका शुमाली बहरे हिंद में एक जजीरा मुल्क है, जिसे पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन एंड टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके मैप पर नजर डाले तो ऐसा लगता है बहरे हिंद में मोती पड़ा है, और अगर इंडियन नक्शे के साथ देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे हिंदुस्तान की आंख से आंसू निकल आया है। यही बात इसे दुनिया भर से मुनफरिद बनाती है। इसके साथ किसी कंट्री की जमीनी सरहद नहीं लगती। अगर श्रीलंका के साहिल समंदर के चारों तरफ चक्कर लगाएं तो 1340 किलोमीटर का साहिल समंदर बनेगा। दोस्तों, श्रीलंका का कैपिटल श्री जयवर्धने पोराकोटे श्रीलंका का पार्लिमानी दारुल हुकूमत है, जबकि कोलंबो एग्जेक्टिव और जुडिशियल कैपिटल है। ये दोनों ट्विन सिटी हैं। नाजरीन कराम, तमिल टाइगर ने श्रीलंका की कुल आबादी के 75% सिंहालियों की नाक में दम कर रखा था। तमिल टाइगर की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस तंजीम ने एक श्रीलंकन सदर समेत इंडिया के राजीव गांधी को खुदकुश हमले में हलाक कर दिया था। तमिल टाइगर का तफसीली जिक्र आगे आएगा। श्रीलंका का सबसे बड़ा और तजारती मरकज कोलंबो सिटी है। कोलंबो एक मसरूफ और रोशन शहर है, जो अपने अंदर जदीद तर्ज जिंदगी के अलावा कदीम तहजीबी आसार भी समोए हुए है। कोलंबो एक कदीम शहर और तजारती बंदरगाह है। शहर की आबादी तकरीबन 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। सन 1505 में वास्को डी गामा की सरबराही में पुर्तगाली यहाँ वारद हुए और इन्होंने इसको कोलंबो का नाम दिया। ये शहर नंबरों में तकसीम है। मजमुई तौर पर यहाँ 16 कोलंबो हैं। जो पहले नंबर पर है वो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाका और महंगा इलाका है, और जो 16वें नंबर पर आता है वो सबसे कम तरक्की याफ्ता और सस्ता इलाका है। कोलंबो का कदीम तरीन कारोबारी मरकज पटा मार्केट है। पटा बाजार के बगैर कोलंबो का सफर अधूरा तसव्वुर किया जाता है। दुनिया के अक्सर शहर रात भर जागते हैं, लेकिन कोलंबो इनमें से नहीं। कोलंबो जल्दी सो जाने वाला शहर है। यहाँ कार की सीट बेल्ट और हेलमेट ना लेने का जुर्माना 25,000 है। लबे सड़क इमारतें, कमर्शियल जोन, होटल्स, कैसीनो, शॉपिंग मॉल और दीगर छोटे बड़े स्टोर नजर आते हैं। अनानास श्रीलंका की एक बड़ी पैदावार है, इसलिए सस्ती मिलती है और हर जगह दस्तयाब है। बुद्धा बायोग्राफी, श्रीलंका क्योंकि बुद्ध अक्सरियत का हामिल कंट्री है, इसलिए शहर के हर खास व आम मुकाम पर बुद्धा का मुजस्मा नसब दिखाई देता है। गौतम बुद्ध को बुद्धा और बुद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका असल नाम सिद्धार्थ था। ये 563 कबल मसीह पैदा हुए। इनके वालिद एक रियासत के राजा थे। ये इलाका अब मौजूदा नेपाल में शामिल है। गौतम जब पैदा हुए तो नजूमियों ने इसके बाप को बताया, रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा। गौतम बचपन से ही जुबान के मीठे और दिल के नरम थे। जब बड़े हुए तो दुनिया के कई खित्तों का सफर किया। जहाँ गए लोग इनके पैरोकार बनते गए। गौतम बुद्ध के फलसफे के मुताबिक इंसान इसलिए दुखी होते हैं कि वो दुनियावी चीजों से दिल लगा लेते हैं।
बुद्धा का मशवरा था कि हर इंसान को अपने जमीर की पैरवी करनी चाहिए, दूसरों से हमदर्दी से पेश आना चाहिए, कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। बुद्धमत में मरने के बाद सजा का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, इसलिए बुद्धमत में जन्नत और जहन्नम का भी कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, और ये तमाम बातें इनके नजदीक इंसानी जहन और दिल का फतूर है। गौतम बुद्ध को बुद्धमत मजहब के बानी माना जाता है। श्रीलंका अमेजिंग फैक्ट्स। अब आपको इसके अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। एडम ब्रिज नासा की सैटेलाइट तस्वीर में हिंदुस्तान और श्रीलंका के माबैन चूने के पत्थरों का एक पुल नजर आता है, इसे आदम ब्रिज कहते हैं, और साइंटिस्टों के मुताबिक ये हजारों साल पहले तामीर किया गया था। एलिफेंट्स। पहले दुनिया के हाथियों की बहुत बड़ी तादाद श्रीलंका में थी। हालिया दिनों में श्रीलंका के हाथियों की आबादी में 65% कमी वाकई हुई है। कैंडी शहर में हाथियों की भरमार है और सियाह हाथियों को देखने के लिए वहां बतौर खास जाते हैं, जिसमें ज्यादातर चीन, यूके, अमेरिका, कनाडा, इटली के लोग शामिल हैं। राइस बिफोर करी। चावल और सालन श्रीलंका में एक अहम डिश है। इसे केले के पत्ते पर रख कर हाथ के साथ भी खाया जाता है। इसे राइस एंड करी कहते हैं। इसे आप उल्टा नहीं कह सकते, यानी आप सालन का नाम पहले चावलों से नहीं ले सकते। श्रीलंका दुनिया का पहला कंट्री है जहां सबसे पहले एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर मुंतखिब हुई थी। श्रीलंकन जुबान से ज्यादा सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देना पसंद करते हैं। आप समझते होंगे श्रीलंका का कौमी खेल क्रिकेट है। हकीकत में ऐसा नहीं है। सबसे मशहूर क्रिकेट जरूर है, लेकिन इस मुल्क का कौमी खेल वॉलीबॉल है। मुल्क में आबशारों और दरियाओं की बदौलत मुल्क की जरूरियात की बिजली 50% हाइड्रो पावर के जरिए पैदा होती है। श्रीलंका की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ही है। चाय पानी में उबाले गए सिर्फ चंद पत्तों के जायके का नाम नहीं है, बल्कि हल्क में उतरते ये चंद घूंट दुनिया की तमाम तहजीबों का मुश्तरका विरसा है। चाय की काश सतह समंदर से जितनी बुलंद होगी, इसमें जायका का मियार उतना ही बेहतर होता है। चाय के खेत ढलवानों पर बनाए जाते हैं ताकि इन पर पानी ज्यादा देर न ठहर सके। दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा जो मशरूब पिया जाता है वो चाय है। चाय का असल खालिक चीन है। वो इस वक्त चाय पैदा करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। श्रीलंका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दारचीनी को पूरी दुनिया जानती है। एशियन खानों का लाजमी जुज्व है। दुनिया की 90% दारचीनी श्रीलंका से एक्सपोर्ट होती है। यहाँ लिटरेसी रेट 92% है, जो जुनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। श्रीलंका में 20 यूनिवर्सिटियाँ हैं। श्रीलंका का कौमी परचम दुनिया के कदीम तरीन झंडों में से एक है। कहा जाता है कि सुनहरी शेर वाला ये परचम श्रीलंका के पहले बादशाह ने अडॉप्ट किया था। 1815 में बरतानवी साम्राज्य ने इसकी जगह अपना झंडा लहराया। अपनी तलवार रखने वाला सुनहरी शेर वाला फ्लैग 1948 में आजादी हासिल करने के बाद दोबारा मुतारफ कराया गया। दोस्तों, मिस श्रीलंका को ताज पहनाकर ये कहते हुए वापस ले लिया गया कि तुम तलाक याफ्ता हो। टूरिज्म। सियाहत के लिए 12 महीने मौसम एक जैसा ही होता है। सड़कें ज्यादा कुशादा नहीं हैं, लेकिन मियार और सफाई श्रीलंका में निस्ब ईमान है। इसलिए सड़क हो या गलियां, जिंदगी का कोई शोभा हो, सफाई का खास एहतमाम किया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ हाथ की सफाई पर तवज्जो होती है। टॉप साइट्स इन श्रीलंका। एडम पीक, आदम की चोटी जिसे श्रीपादा भी कहा जाता है, मुल्क का सबसे मुकद्दस तरीन पहाड़ है। अफसानवी और मजहबी नजरियात में खड़ा है। श्रीलंका में ईसाई और मुसलमान यकीन रखते हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अदन से जिला वतन किया गया था। अदन जन्नत को कहते हैं, जहां आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया था। जहां पहला कदम पड़ा वहां पांव का निशान बन गया। बुद्धिस्ट का मानना है बुद्धा के पांव का निशान है। तामिल हिंदुओं का ख्याल है कि ये शिवा का नक्शे कदम है। दुनिया भर से लोग हाथों में मोमबत्तियां लिए यहाँ पांव का निशान देखने आते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 से 7 घंटे पैदल चलकर पहुँचने में लगते हैं। नुवारा एलिया श्रीलंका का देवमालाई इलाका है, जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। सुना है यहाँ बहारें फूल बरसाती हैं। अलग रंगत, जुदा तहजीब, हजारों मील के फासले, मगर एहसासात में कुदरती यक रंगी। सिया बुलंदी से गिरती आबशारों की परस्ती फुवार, अल्फाज से मावरा मंजर जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है, इसे इस तौर से बनाया गया
गया है। आबशार को जाने के लिए इसका दाखिली दरवाजा इस्तेमाल करना पड़ता है। रेस्टोरेंट के दाखिली दरवाजे से इंटर होते ही स्याह खाने पर टूट पड़ते हैं, यानी ये भी एक बिजनेस प्रैक्टिस है। टेम्पल ऑफ दी टूथ श्रीलंका की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली साइट में से एक है। यहाँ बुद्धा का एक दांत रखा गया है। ये बुद्धिस्ट की एक मुकद्दस तरीन साइट है जहाँ सालाना फेस्टिवल मुनक्कद होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से बुद्धिस्ट यहाँ का सफर करते हैं। सिगेरिया या सिनहगरी एक कदीम चट्टान है जो वस्ती सूबे के नादरन मताली डिस्ट्रिक्ट में वाके है। इस जगह को किंग केशियाप्पा ने अपने न्यू कैपिटल के लिए मुंतखब किया था। इसने चट्टान की चोटी पर अपना महल तामीर किया और इसके इतराफ को कलरफुल फ्रेस्को से सजाया। सेंटर में शेर का गेट वे बनाया। इसका ये नाम इसी वजह से दी लाइन रॉक कहलाने लगा। बादशाह की मौत के बाद इसे 14वीं सदी तक बुद्धमत खानकाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आज इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया है। ताइमल टाइगर्स 70 की दहाई की आखिर में इसकी बुनियाद डाली गई। इस तंजीम के जरिए श्रीलंका को कमजोर करके कब्जा करने का प्लान था। ये इतने ताकतवर होते गए कि इन्होंने एक इंडियन वजीर आजम और एक श्रीलंकन सदर को भी मार दिया। आपको याद होगा 96 के वर्ल्ड कप के कुछ मैच ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक ने ताइमल टाइगर की वजह से श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया था। 2006 में पाकिस्तानी सफीर पर ताइमल टाइगर ने हमला किया तो पाकिस्तान ने श्रीलंका की अपील पर इनकी हेल्प करनी शुरू की। मई 2009 में ताइमल टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन फैसला कुन मरहले में दाखिल हुआ। 19 मई को ताइमल टाइगर का सरबराह प्रभाकरन को मार दिया गया। सिर्फ वही नहीं मारा गया बल्कि पूरी दहशतगर्द तंजीम का जड़ से सफाया कर दिया गया। फौजी ऑपरेशन के इख्तिताम पर श्रीलंका की सरकार की तरफ से ये पैगाम जारी किया गया कि श्रीलंका की हुकूमत और इसके अवाम पाकिस्तान को अपना वो हकीकी दोस्त समझते हैं जिसकी हमें जब भी जरूरत पड़ी वो हमारे साथ खड़ा नजर आया। जिसकी वजह से आज श्रीलंकन आर्मी की हाई कमांड में शायद ही कोई ऐसा अफसर हो जिसने पाकिस्तान से अस्करी तरबियत न हासिल की हो। सबका आर्मी चीफ सरात फुनेस्का भी पाकिस्तान से तरबियत याफ्ता है, जो ताइमल टाइगर के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन के मौके पर फौज के सरबराह थे। मोहतरम नाजरीन कराम इसकी करेंसी श्रीलंकन रुपीज है जो पाकिस्तानी 80 पैसों और इंडियन 38 पैसों के बराबर है। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है। श्रीलंका का इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +94 है। चीन ने श्रीलंका के तजारती दारुल हुकूमत कोलंबो में 270 हेक्टर पर पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट में $1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। श्रीलंका ट्रांसपोर्टेशन मुल्क में 18 एयरपोर्ट हैं, 3 एयरलाइन और 34 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। 1,15,000 किलोमीटर पुख्ता सड़कें हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में साहिल है लेकिन सबसे बड़ी बंदरगाह कोलंबो की है जहां 96 छोटे बड़े जहाज मौजूद हैं। पूरे मुल्क में 1,562 किलोमीटर रेलवे लाइन मौजूद है। कोलंबो के साहिल के साथ रेलवे लाइन बिछी है जहाँ श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए हर 8 घंटे बाद रेलगाड़ी निकलती है जो मुसाफरों से खचाखच भरी रहती हैं। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला और तमिल है। श्रीलंका में 75% आबादी सिन्हाली नस्ल, 11% श्रीलंकन तमिल, 10% मोरोस, 4% इंडियन तमिल है। श्रीलंका का सरकारी मजहब बुद्धिज्म है जो मुल्की आबादी का 70% है। 12% हिंदू, 10% मुस्लिम, 7% मसीही, बाकी दीगर मजाहब के लोगों की है। श्रीलंका का कुल रकबा 65,610 किलोमीटर है। ये दुनिया में 120वें नंबर पर शुमार होता है। इसका हाईएस्ट पॉइंट 2,524 मीटर बुलंद है। श्रीलंका की कुल आबादी 2,30,45,000 के करीब है और आबादी के लिहाज से 58वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क की 41% आबादी नौजवान है। सिर्फ 19% शहरों में, 81% आज भी देहात में रहती है। यहाँ औसत उम्र 78 साल है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।